वेरी गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। और आज चौथे सेट के साथ, ये चौथा सेट आपके सामने है, सुपर 60 प्रैक्टिस सेट नंबर 4 फॉर सीजर एंड सीएचएसई। कल आपका पहले दिन सीजर का पेपर रहा होगा। जिन बच्चों के पेपर्स रहे होंगे, निश्चित ही उन्होंने बेहतर किया होगा, और जिन बच्चों के पेपर्स हैं आगे, वो और बेहतर करने की कोशिश करें। जिन बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, अगर वो चाहें, उन्हें अगर मेमोरी में हो उनके, तो जो क्वेश्चंस आ रहे हो वो मुझे बता भी सकते हैं, ताकि मैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको दे सकता हूं, प्रोवाइड करा सकता हूं। लेट्स बिगिन सुपर 60 प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और जो अब आप क्वेश्चंस करेंगे, वो इनके साथ ही यहीं पर मैं आपको तैयार कराता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। मैं थोड़ा थोड़ा समय आपको दूंगा क्वेश्चंस पे, ताकि यहीं पे आप सॉल्व करते जाएं। आप एक कॉपी रखें और एक पेन रखें। जो आंसर्स आपको लगते हैं, वहीं पर आप फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, ऐसे करते जाएं आप, ठीक है? तो इस तरह से आपका कुछ समय सेव हो जाएगा। इससे भी आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे सामने है आपके, आप टेस्ट कर लें अपना, यहां ए बी सी होगा, ऐसे भी आप अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन एरर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके, लेट्स बिगिन। दिस मेसोजाइनिस्ट हेट्स ऑन मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउस मेड्स। फिर से, दिस मेसोजाइनिस्ट, मेसोजाइनिस्ट मीन्स वन हु हेट्स वेमेन, जो औरतों से घृणा करते हैं, उन्हें मेसोजाइनिस्ट कहते हैं। तो दिस मेसोजाइनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउसमेट्स। क्या एरर है यहां, ए बी या सी? सोचो, यहां नाउन से संबंधित एरर आपको दी गई होगी, और अगर आपने नाउन में नंबर्स के रूल्स, जेंडर्स के रूल्स और केसेस के रूल्स अगर आपने पढ़े होंगे, मेहनत किया होगा, तो आप समझ सकते हैं। दिस मिसोजाइनिस्ट हेट्स, सही है, ऑल मदर इन लॉज सोचिए, लेडी डॉक्टर्स सोचिए एंड हाउस मेड्स सोचिए। और अपनी कॉपी पे लिख लें प्लीज, अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो कॉपी पे लिखते जाएं, ए बी सी डी जो भी आपका है, उससे बाद में आपको पता चलेगा आप कितना बेहतर कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने कहा कि शुरू में सर हम 4 के आसपास क्वेश्चंस कर लेते थे, लेकिन रेगुलर मेहनत करने के बाद, रेगुलर हार्ड वर्क करने के बाद हम 17-18 तक पहुंच गए। तो आप जो भी बच्चे हैं, अगर आप अपने को आजमाना चाहते हैं, तो आप इस तरह लिखना सीखें, बनाना सीखें, और खुद को एग्जामिन करना बहुत पॉजिटिव चीज होती है, ओके? तो दिस मेसोजाइनिस्ट हेट्स, सही है, ऑल मदर इन लॉज, मदर इन लॉज, लेडी डॉक्टर्स तो सही है, डॉक्टर को प्लूरल बनाएंगे, हाउसमेट्स भी सही है, मेड को प्लूरल बनाएंगे, नहीं, मदर इन लॉज गलत है, ये बी ऑप्शन में गलती है। जब आप मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ जैसे कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल बनाते हैं, तो जो उनका मेन वर्ड होता है उसी को प्लूरलाइज करते हैं। मेन वर्ड मदर है, तो मदर्स इन लॉ होगा, ये जो एस है वो यहां पे जाएगा, मदर्स इन लॉ। जब हम मदर इन लॉ का पॉजिटिव केस यूज करते हैं, तब वहां पे मदर इन लॉज होते हैं, वो भी एपोस्ट्रॉफी एस होता है, तो यहां मदर्स इन लॉ हो जाएगा, यानी बी पोर्शन में एरर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉमन एरर नंबर 2, मोस्ट ऑप्टिकल फिनोमेना, ऑप्टिकल मीन्स दृष्टि संबंधी, और फिनोमेना घटनाओं को कहते हैं, फिनोमेनन का प्लूरल है आपका। मोस्ट ऑप्टिकल फिनोमेना कैन बी अकाउंटेड फॉर यूजिंग द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय, कहते हैं ना, कैन बी अकाउंटिंग फॉर यूजिंग द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइट, डिस्क्रिप्शन विवरण को कहते हैं, लाइट यहां प्रकाश से संबंधित है। मोस्ट ऑप्टिकल फिनोमेना, ये सही है आपका, मोस्ट है तो प्लूरल यूज किया गया है, मोस्ट ऑप्टिकल फिनोमेना कैन बी अकाउंटिंग
कैन बी अकाउंटिंग हो सकता है क्या? कैन बी इट मीन्स वी आर यूजिंग वट इफ वी आर यूजिंग वर्ब जस्ट आफ्टर कैन बी इट मीन्स वी आर यूजिंग पैसिव वॉइस नॉट एक्टिव वॉइस एंड इफ वी आर यूजिंग पैसिव वॉइस इट मीन्स वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वी थ्री ओके सो मोस्ट ऑप्टिकल फिनोमेना कैन बी अकाउंटिंग नहीं होगा क्या हो जाएगा कैन बी अकाउंटेड हो जाएगा कैन बी अकाउंटेड फॉर यूजिंग द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइट यानी लाइट का जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क्रिप्शन है यानी प्रकाश का जो प्राचीन विद्युत चुंबकीय विवरण है वो प्रयोग किया जा सकता है उसके लिए उपयोग किया जा सकता है क्या मोस्ट ऑप्टिकल फिनोमेना को कैन बी अकाउंटेड उसका उपयोग इनपुट का हिसाब लगाया जा सकता है तो यहां पे अकाउंटिंग नहीं होगा कैन बी के बाद या तो नाउन लेते आप या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे आप तो कैन बी अकाउंटेड हो जाएगा चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कॉमन एरर पे अ टेलीस्कोप लाइट गैदरिंग पावर एंड एबिलिटी टू रिजॉल्व स्मॉल डिटेल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डायमीटर ऑफ देयर ऑब्जेक्ट आज ईद है बहुत सारी बच्चे जो हैं उनके लिए खुशियों का त्यौहार है हमारे आपके लिए खुशियों का त्यौहार है तो हम उन बच्चों को या जो भी इसे सेलिब्रेट कर रहे हो उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और ये एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे भाईचारे का भी पैगाम देता है फिलहाल यहाँ पे देखें अ टेलीस्कोप लाइट गैदरिंग पावर एंड एबिलिटी क्या गलत टू रिजॉल्व रिजॉल्व मीन्स हल कर टू रिजॉल्व स्मॉल डिटेल इज डायरेक्टली ये इज टेलीस्कोप लाइट के लिए तो अ टेलीस्कोप लाइट गैदरिंग पावर एंड एबिलिटी टू रिजॉल्व स्मॉल डिटेल इज डायरेक्टली रिलेटेड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डायमीटर डायमीटर व्यास को कहते हैं टू द डायमीटर ऑफ देयर ऑब्जेक्ट है ए में एरर है और टेलीस्कोप लाइट गैदरिंग पावर एंड एबिलिटी बी में एरर है टू रिजॉल्व स्मॉल डिटेल या फिर सी में एरर है इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डायमीटर ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव या फिर नो एरर है क्या एरर है पहले में तो कोई एरर नहीं और टेलीस्कोप सही है टेलीस्कोप और टेलीस्कोप लाइट यानी जो दूरबीन का प्रकाश होता है गैदरिंग पावर एंड एबिलिटी जो पावर और एबिलिटी को गैदर कर रहा है किस लिए टू रिजॉल्व स्मॉल डिटेल छोटी छोटी गणनाओं को क्या करने के लिए रिजॉल्व करने के लिए वो टेलीस्कोप लाइट इज डायरेक्टली रिलेटेड वो सीधे जुड़ी होती है टू द डायमीटर ऑफ देयर ये देयर किसके लिए लगा है देयर टेलीस्कोप लाइट के लिए लगा है उन्हीं के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं ना तो अगर वो टेलीस्कोप लाइट की बात कर रहे हैं तो फिर देयर कैसे होगा जो नॉन लिविंग चीज है उसका प्रोनाउन सिंगुलर में आप जानते हैं इट्स होता है और प्लूरल में देयर होता है तो फिर देयर नहीं होगा यहां पर टेलीस्कोप लाइट की वजह से यहां पर इट्स हो जाए ये प्रोनाउन से संबंधित एरर आपको दी गई थी सेंटेंस फिलर क्वेश्चन नंबर 4 The exact reasons for their disagreement, यानी उनके disagreement का जो सटीक कारण है dash yet to be made public, उन्हें अभी भी सार्वजनिक किया जाना बाकी है तो the exact reasons for their disagreement are होगा is होगा was होगा या had होगा इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रेगुलरली हर एक एग्जाम में आपको दे जाएंगे और सीजन वगैरह में तो हर हाल में दे जाएंगे आपको फिलर्स में द एग्जैक्ट रीजंस फॉर देयर डिसएग्रीमेंट हमारा यहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित क्वेश्चन हमको दिया गया है मैं आपको आजकल में ही वीडियो बना के दूंगा आपको कि जो बच्चे कॉमन एरर्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिलर सेंटेंस फिलर्स करना चाहते हैं क्या करेंगे कौन से टॉपिक्स पे उन्हें ज्यादा मेहनत करनी है यदि वो कॉमन एरर्स फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं आजकल में ही आपको मैं अलग से दूंगा उसे उसे तैयार करिए उसे बहुत फायदा होगा आपको
टू द एग्जैक्ट रीजंस फॉर देयर डिसएग्रीमेंट. हमारा सब्जेक्ट डिसएग्रीमेंट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है उस डिसएग्रीमेंट का, उनके डिसएग्रीमेंट के जो वास्तविक कारण है. रीजंस प्लूरल है, इसमें एक ही शब्द है और यहां येट टू बी मेड पब्लिक बता रहा है कि हमको आर लेना होगा. द एग्जैक्ट रीजंस फॉर देयर डिसएग्रीमेंट आर येट टू बी मेड पब्लिक. जिन बच्चों को लग रहा होगा सर येट तो लास्ट में जाता है, वो परफेक्ट होता है जहां पे आपको लास्ट में रखना होता है. जैसे मैं कह रहा हूं उसने अभी तक अपनी दुकान नहीं खोली है, तो ही हैज नॉट ओपेंड हिज शॉप येट. नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहां. जब आप अफर्मेटिव में यूज करते हैं तो आप येट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं आप. तो यहाँ पे है डिसएग्रीमेंट आर येट टू, तो ये आर किसके लिए है? द एग्जैक्ट रीजंस के लिए है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेंटेंस फिलर क्वेश्चन नंबर 5 डैश यहीं पे आ गया. हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल. कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपको दिए जाते हैं और मैंने पहले भी कहा है कि ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको दिए गए हैं. और अभी बच्चों का जो बच्चों ने जो मुझे बताया वो ये है कि जो क्वेश्चंस कल दिए गए थे पहले दिन 4 तारीख को, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, पिछले सालों के रिपीटेड हैं. तो ये आप फायदा ले सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट का जो मैं करा रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं या आइडिया आप डेवलप कर सकते हैं कि कैसे उन्हें हमें सॉल्व करना है. सो लेट्स सी. डैश हैज बीन सिलेक्टेड, मिसेस मीनाक्षी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल. सम मिसेस मीनाक्षी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल. द मिसेस मीनाक्षी ये तो नहीं हो, द मिसेस मीनाक्षी प्रॉपर नाउन पहले आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. एनी मिसेस मीनाक्षी ये भी नहीं होगा क्योंकि किसी के अर्थ में या कोई के अर्थ में आप एनी का प्रयोग नहीं करते हैं. अगर आपको याद हो तो आप कर सकते हैं. क्या होगा? मिसेस मीनाक्षी हैज बीन सिलेक्टेड, सम मिसेस मीनाक्षी हैज बीन सिलेक्टेड, इन्हीं दो में से एक चूज करना. ये दोनों आप रहने दें, न करें. तो आप समझ रहे होंगे ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके पहले हमें कोई रेफरेंस नहीं दिया है, यानी हम पहली बार मिसेस मीनाक्षी का उल्लेख सुन रहे हैं. तो इफ वी आर गोइंग टू हियर फॉर द फर्स्ट टाइम द नेम ऑफ मिसेस मीनाक्षी, इट मीन्स हम हिंदी में ऐसे कहना चाह रहे हो कोई मिसेस मीनाक्षी है जिन्हें प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए चुना गया. कोई मिसेज मीनाक्षी, एक मिसेज मीनाक्षी, इस सेंस में आप सम का प्रयोग या ए का प्रयोग करते हैं. आप अपने घर पर बैठे हो और आपका भाई दौड़ दौड़ा आता हो और आपसे हिंदी में कहता हो कोई रमेश आपसे मिलना चाह रहा है. क्या कहा उसने? कोई रमेश आपसे मिलना चाह रहा है. या ऐसे भी कह सकता है ना वो कि एक रमेश आपसे मिलना चाह रहा है. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड some Ramesh wants to meet you या a Ramesh wants to meet you. ये जो a या some ले रहे हैं इसके means कोई या एक के sense में हम use करते हैं. वैसे यहां भी some Mrs. Meenakshi यानी कोई Mrs. Meenakshi या एक Mrs. Meenakshi has been selected for the post of principal. इन चारों में ये best है. अगर इसके पहले रेफरेंस होता तब आप लिख लेते Mrs. Meenakshi has been selected. जैसे ये दिया गया होता There were a number of girls who were going to appear in the interview, okay? और फिर वहां देता मिसेज मीनाक्षी, तो फिर वहां तय हो सकता था कि उसके पहले आपने रेफरेंस दे दिया है गर्ल्स का, तो वहां मिसेज मीनाक्षी हो जाता. बट जब पहली बार आप यूज कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं किसी मिसेज मीनाक्षी का वहां चयन किया गया है. दिस इज सम मिसेज मीनाक्षी. जहां भी अननोन पर्सन हो वहां पर आप सम का प्रयोग कर सकते हैं. ये पूरे नंबर्स आपको दे सकते हैं एग्जाम्स में. जो बच्चे वर्ड पावर में मेहनत करते हो उन्हें पूरे नंबर्स मिल सकते हैं. इनफ्यूरिएट, अगर आपको वर्ड याद हो इनफ्यूरिएट मीन्स क्या होता है तो आप कर लेंगे. इसका सिनोनिम क्या होगा? बर्न होगा, डिसएग्री होगा, थ्रेटन होगा या इनरेज होगा. बर्न में आप जानते हैं जला देना, डिसएग्री असहमत होना, थ्रेटन थ्रेट में ईएन जोड़ करके वर्ब बनाया गया है, थ्रेटन धमकी देना, और एनरेज रेज मीन्स क्रोध होता है, रेज में पहले ईएन जोड़ करके वर्ब बनाया गया है एनरेज. देखिए यहां थ्रेट में ईएन जोड़ा गया, थ्रेटन वर्ब हो गया,
रेस में एन जोड़ा गया, एन रेस वर्ब हो गया। ये आपके एक में सफिक्स जोड़कर और एक में प्रीफिक्स जोड़ करके वर्ब बना दिया, ठीक है। तो इनफीरिएट मींस क्या होता है याद है आपको, कितने बच्चों को याद है? इनफीरिएट मींस होता है क्रोधित कर देना, किसी को गुस्सा पिला देना। फ्यूरी से बना, एफ यू आर वाई, याद हो फ्यूरी मींस ही क्रोध होता है। तो इनफीरिएट यहां भी देखे एक प्रीफिक्स भी है और एक सफिक्स भी है। फ्यूरी में इन जोड़ा गया और फ्यूरी वाई को हटाकर आई और फिर ए टी ई वर्ब सफिक्स जोड़ा गया। तो इनफीरिएट मींस गुस्सा दिलाना, बर्न मींस नहीं होगा, डिसएग्री मींस नहीं होगा, थ्रेटन धमकी देना होता है तो क्या हो जाएगा, एनरेज गुस्सा दिला देना, क्रोधित कर देना। तो इनफीरिएट का सिनोनिम एनरेज हो जाएगा। गिनते रहिएगा आपके कितने नंबर सही कर रहे हैं, एक प्रश्न पे दो नंबर आपको मिलेंगे, याद है ना? ओके, लेट्स सी सेवेंथ क्वेश्चन ऑफ सिनोनिम। वोलेटाइल, वोलेटाइल कल या परसों आया हुआ था वर्ड, तो मैं बोला था वोलेटाइल, वोलेटाइल मींस क्या होता है। तो वोलेटाइल का सिनोनिम क्या होगा, फ्रेश, स्टेबल, एंग्री या फेवरेबल। वोलेटाइल का फ्रेश, स्टेबल, एंग्री या फेवरेबल। एक्चुअली यहां इसमें से एक भी नहीं होगा, यहां जो वर्ड्स दिए गए हैं वो वोलेटाइल के एंटोनिम्स के रूप में दिए हैं। चलिए एंटोनिम ही बता दीजिए कि वोलेटाइल का एंटोनिम क्या होगा, फ्रेश होगा, एंग्री होगा, स्टेबल होगा या फेवरेबल। एंटोनिम ढूंढिएगा, सिनोनिम नहीं ढूंढिएगा। वोलेटाइल का एंटोनिम क्या होगा, फ्रेश, एंग्री, स्टेबल, फेवरेबल। वोलेटाइल मींस याद है आपको, वोलेटाइल जब आप कभी वोलेटाइल होते हैं, कोई चीज वोलेटाइल होती है, कोई डिसीजन अगर वोलेटाइल आपका होता है, इट मींस वो अस्थिर होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। तो वोलेटाइल मींस अस्थिर, तो स्टेबल मींस स्थिर होता है। जो चीज अनस्टेबल होती है वो वोलेटाइल होती है, तो इसका एंटोनिम स्टेबल हो जाएगा, फ्रेश नहीं होगा, फ्रेश मींस ताजा होता है, एंग्री आप होते रहते हैं अक्सर, और फेवरेबल परिस्थितियां आपकी हो जाए, आपकी फेवरेबल मींस पक्ष में होने वाला, यानी जो आपके पक्ष में हो वो फेवरेबल होता है, उचित, अच्छा। तो वोलेटाइल का एंटोनिम यहां लिख लेते हैं स्टेबल। अब एंटोनिम्स आ गए आपके प्रश्न नंबर एट, टार्डी। टार्डी का एंटोनिम आपको ढूंढना है, लेट, फ्रीक्वेंट, प्रॉम्प्ट या क्रैश। लेट आप समझते हैं, लेट मींस देर से भी संबंधित होता है और लेट मींस स्वर्गीय भी होता है, होता है। फ्रीक्वेंट बार बार जो चीज हो, प्रॉम्प्ट जो चीज विदाउट डिले हो, तुरंत हो जाए, ग्रेजुअल जो क्रमशः धीरे धीरे हो, डिले के साथ। तो टार्डी मींस आ रहा है आपको, टार्डी मींस होता है सुस्त, जो चीज धीरे धीरे हो। जब आदमी मानसिक रूप से रिटार्ड होता है, कहते हैं वो बहुत सोच नहीं पा रहा है, तो टार्डी सुस्त जो डीले करता हो, तो अगर कोई डीले कर रहा है वो टार्डी है। तो जो चीज प्रॉम्प्ट है, जो प्रॉम्प्ट है वो क्या है, विदाउट डीले, तुरंत, जैसे ही गिव अ प्रॉम्प्ट आंसर, तो प्रॉम्प्ट मींस तुरंत, तो प्रॉम्प्ट इसका टार्डी का एंटोनिम हो जाए। नेक्स्ट एंटोनिम है स्विंडल। स्विंडल का एंटोनिम क्या होगा, इंसल्ट, ड्यूप, एम्पल, ऑनेस्टी। स्विंडल का जो मीनिंग है वो अगर मिलाएंगे तो इसके एंटोनिम को आप प्राप्त कर लेंगे। व्हिच इज द एंटोनिम ऑफ स्विंडल, इंसल्ट करना, इंसल्ट जब आप डिस्कवर इंश्योर करते डालते हैं, इंसल्ट, ड्यूप करना धोखा देना, एम्पल पर्याप्त जो चीज सफिशियंट हो आपके पास, ऑनेस्टी जो हमारे आपके पास होती है ईमानदारी। तो स्विंडल का एंटोनिम क्या, स्विंडल याद है, स्विंडल मींस क्या होता है, स्विंडल मींस धोखा, छल, फरेब होता है, स्विंडलर मींस धोखेबाज होता है। तो अगर स्विंडल मींस धोखा, छल, फरेब होता है, तो ऑनेस्टी मींस क्या होती है, ईमानदारी होती है, यानी ये ऑनेस्टी आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं आपकी, दसवां क्वेश्चन है आपका। ओके,
इन्स एंड आउट्स, आना चाहिए आप इस लेवल पे, हर बच्चे को आना चाहिए। जो बच्चा सीजीएल के सीएचएसएल के आगे जो भी एग्जामिनेशन पे मेहनत करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके के जो अक्सर इडियम्स आपको दे जाते हैं इनको तैयार रखें। इन्स एंड आउट्स देखते ही आपको आ गया होगा, जैसे इन्स एंड आउट्स, इन्स यानी जो अंदर चीजें, आउट्स जो बाहर चीजें, यानी सारी चीजें डिटेल पूरा। तो इन्स एंड आउट्स इंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स नहीं, डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ये हो जाएगा इन्स एंड आउट्स। तो इन्स एंड आउट्स डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्स जो भी चीजें हैं सारी चीजें, जैसे इन्स एंड आउट्स ऑफ द इंसिडेंट यानी उसका पूरा डिटेल, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इन्स एंड आउट्स, और ये आना चाहिए था आपको। नेक्स्ट इडियम है पिलर टू पोस्ट, एक्चुअली फ्रॉम पिलर टू पोस्ट होता है, तो मेन आपका इडियम दे दिया गया है पिलर टू पोस्ट। क्या होगा इसका, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ वेंट टू पिलर्स होगा, पिलर्स के पास गया, वेंट टू पोस्ट, पोस्ट के पास गया, वेंट टू मनी लेंडर, पैसे देने उधार देने वाले के पास गया, या ट्राइड हिज बेस्ट, या फिर पूरी कोशिश। कॉमन सेंस भी यूज करेंगे तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं आप कि इन चारों में से बेस्ट क्या होगा, क्या चीज यहां पे है जो नहीं हो सकता है, क्या पिलर टू पोस्ट वेंट टू पिलर्स हो सकता है क्या, नहीं। वेंट टू पोस्ट हो सकता है क्या, नहीं। वेंट टू द मनी लेंडर हो सकता था, ट्राइड हिज बेस्ट इन्हीं दोनों में से हो सकता था। तो अगर आपको आ रहा हो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मीन्स इफ समवन इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, यदि कोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा है तो ही इज गोइंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो पिलर टू पोस्ट मीन्स ट्राइड हिज बेस्ट या ट्राई वंस बेस्ट मीन्स पूरी कोशिश करना, मीन्स जितना हो सकता है आपसे लेवल बेस्ट करना। तो पिलर टू पोस्ट का डी ऑप्शन हो जाएगा, गिनते रहिएगा कितना सही हो रहा है आपका। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रेनुअस एज इट वॉज They went on with their work. Strenuous as it was, यानी भले ही बहुत strenuous था, means बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता थी, बहुत दुरूह कार्य था, कठिन कार्य था, लेकिन they went on with their work. Went on, go on. उन्होंने जारी रखा with their work अपने कार्य, यानी कठिन कार्य था वो, लेकिन उन्होंने उसे जारी रखा। तो as it was का स्थान क्या हुआ? Since it was, यानी strenuous, since it was, सही हो सकता है क्या? Although it was, यानी strenuous, although it was, सही हो सकता है क्या? Because it was, strenuous because it was, सही हो सकता है? No improvement. क्या सही? A, since it was, ध्यान रखिएगा strenuous पहले है, अगर आप ऐसे सोचें since it was in strenuous तो सही हो जाए, लेकिन स्ट्रेनुअस पहले है उस अवस्था में देखें कौन सा सही हो, ए बी सी या नो इंप्रूवमेंट। और ये अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको। जो बच्चे सीजर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें आना चाहिए स्ट्रेनुअस एज इट वॉज, क्या एज इट वॉज में करेक्शन करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। यदि पहले एडजेक्टिव दिया गया और उसके बाद एडजेक्टिव के तुरंत बाद एस दिया गया हो और फिर सब्जेक्ट हो फिर वर्ब हो, तो वो जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का क्लास का वो सही माना जाता है। जैसे आपको कहना हो हार्ड वर्किंग एस ही वाज, सही है, वैसे ये भी सही है स्ट्रेनुअस एज इट वाज। अगर ये स्ट्रेनुअस इधर होता तो कई सारे ऑप्शन हो जाते, सिंस इट वाज स्ट्रेनुअस ये नहीं होता यहां, क्योंकि ये कह रहे हैं उन्होंने उस कार्य को जारी रखा तो के बावजूद वाला अर्थ हमको चाहिए। Although it was हो जाता ना, although it was strenuous हो जाता, लेकिन चूंकि strenuous उन्होंने पहले दिया है इसलिए बी ऑप्शन नहीं चूज कर सकते हैं, बाकी दोनों होंगे नहीं आपके, क्योंकि ये तो पैरेलल हो जाएगा, आपको कंट्रास्ट करना है। तो या तो although it was हो सकता था या जो स्ट्रक्चर है, अब चूंकि although it was यहां पे लेंगे तो और लगेगा strenuous although it was, उससे बेहतर है strenuous as it was, सही ये भी हो सकता है लेकिन उससे बेहतर है ये खुद सही है, adjective plus as plus subject plus verb अगर है तो स्ट्रक्चर सही माना जाता है, इसका अर्थ के बावजूद होता है, यानी दुरूह कार्य होने के बावजूद
दे वेंट ऑन विद देयर वर्क, उन्होंने अपने कार्य को जारी रखा, यानी नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 13, डू यू नो टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, कर सकते हैं आप, फास्ट देखें, जल्दी से देखें कौन सा सही होगा और आसान है इसमें। कौन सा सही है? बिल्कुल इजी है आपके लिए। डू यू नो टू प्रिपेयर, जब भी डू यू नो जैसा स्ट्रक्चर हो, डू यू लर्न जैसा स्ट्रक्चर हो, जो आपकी क्षमता आपकी जानकारी की बात कर रहा हो, तो इसके आगे आप केवल फुल इन्फिनिटिव नहीं लेते, वो फुल इन्फिनिटिव आपका हाउ टू के साथ बनता है, तो जाएगा डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर, ठीक होगा ना? तो कौन सा जाएगा? ये सी ऑप्शन। डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, क्या बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना जानते हो, अर्थात क्या आप जानते हो कि बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करते हैं? इस तरह जैसे आप कहना हो ही नोज टू राइड अ बाई या द बाई स्केल, गलत है, ही नोज हाउ टू राइड द बाई स्केल होगा, तो फिर यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा। मिलाते रहेगा, धीरे धीरे वो समय आ रहा है जब आपको लगेगा आप किस लेवल पे जा रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके क्वेश्चन नंबर 14, अवॉइडिंग वेस्टेज, जो वेस्टेज से बचता हो, अर्थात बेकार के खर्च से बचता हो, वह इकोनॉमिक है, मीन्स इकोनॉमिक है, इकोनॉमिकल है, मिनिमल है या स्पेंडथ्रिफ्ट है। अवॉइडिंग वेस्टेज, अब देखिए मैं क्या कहता हूं, जो बच्चे हिंदी नहीं समझेंगे, चाहे वो कॉमन एरर्स हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, सब चीजें, जो बच्चे अच्छे से हिंदी नहीं समझेंगे मीनिंग्स के द्वारा, स्ट्रक्चर के द्वारा, वो फंस जाएंगे। अब अगर आप इसकी हिंदी नहीं समझेंगे तो आप इसके आंसर नहीं हो सकते। अगर आप हिंदी अवॉइड है, यानी वन हु अवॉइड्स, तो वन हु अवॉइड्स वेस्टेज, एक व्यक्ति जो वेस्टेज यानी बेकार की चीजों में पैसे खर्च करने से बचता है, वो व्यक्ति क्या होगा? क्या वो इकोनॉमिक होगा? इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक होता है, नहीं। क्या व्यक्ति मिनिमल होगा? मिनिमल मीन्स सबसे कम मात्रा होती है वो मिनिमल होती है। क्या व्यक्ति इकोनॉमिकल होगा? बिल्कुल होगा। इकोनॉमिकल मीन्स ये होता है मित व्ययी। हम लोग अक्सर एक गलती करते हैं ना, किसी ने हमसे पूछा कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो हम लोग क्या कहते हैं? हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं। गलत बोलते हैं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं, ये सही है, लेकिन आगे जब हम कहते हैं कि वो बहुत इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं, गलत। इकोनॉमिकल कंडीशन ना बोले, इकोनॉमिक कंडीशन बोले। इकोनॉमिक कंडीशन सही है क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति नहीं, लेकिन जो इकोनॉमिकल बोलते हैं हम नहीं जानते, इकोनॉमिकल में मित व्ययी होता है, जो व्यक्ति कम खर्च करता है वो इकोनॉमिकल होता है। तो अवॉइडिंग वेस्टेज, यानी जो कम खर्च करे वो इकोनॉमिकल है, सही है। स्पेंडथ्रिफ्ट कौन होता है? जो एक्स्ट्रावेगेंट होता है, जो स्प्लर्ज करता है, जो प्रोडिगल होता है, मीन्स जो ज्यादा खर्च करता है, वो आदमी जो लाविश होता है वो स्पेंडथ्रिफ्ट होता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए आप बता सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत की हो, जो हम सजीव यानी जीव जंतुओं का अध्ययन, साइंटिफिक अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है, नहीं, बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन में कैसे किया जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है, कतई नहीं, इसमें कार्बन वगैरह संबंधित अध्ययन होता है। जूलॉजी में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो सजीव यानी जीवों का अध्ययन होता है, किसमें करते हैं? जूलॉजी में करते हैं। बायोलॉजी आप समझते होंगे, वनस्पतियों का अध्ययन बायोलॉजी के अंदर कहते हैं। तो आपका सी आंसर हो जाए। दिस इज सेंटेंस अरेंजमेंट क्वेश्चन नंबर 16, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, आर यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट आर गिवन इन योर एग्जाम्स। मीन्स जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं उनमें से एक है, पहला क्लोज टेस्ट, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन और तीसरा सेंटेंस अरेंजमेंट मीन्स द क्वेश्चन। दिस इज हियर, लव इज वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ ह्यूमन पैसेज,
Love is one of the earliest of human passions. It is also one of the sweetest. Love should be directed towards a worthy object. But like all strong passions, it may, if not well regulated and controlled, lead us into misery. Or it will prove in the end a source of bitterness. Love, moreover, looks forward to reciprocation. Reciprocation. Love is one of the earliest of human passions. Yani प्रेम जो है वो ह्यूमन पैशन जो शुरुआती शुरू से ह्यूमन पैशन है उनमें से एक रहा है क्या प्रेम. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्वीटेस्ट ये सबसे मधुर चीजों में से भी एक रहा है क्या लव. लव शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ वर्दी ऑब्जेक्ट यानी प्रेम जो है उसको हर हाल में किस तरफ निर्धारित करना चाहिए वर्दी ऑब्जेक्ट एक अच्छे उद्देश्य की तरफ लेकर चलना चाहिए. बट लेकिन Like all strong passions, अन्य जो हमारी भावनाएं तीव्र भावनाएं होती हैं उन्हीं की तरह it may lead us into misery. ये भी हमें परेशानी में डाल सकता है if not well regulated and controlled. यदि आप इसको ठीक ठीक तरीके से नियंत्रित और संचालित नहीं किया और या it will prove in the end a source of bitterness. या फिर यह अंत में आपके दुख का कारण बनेगा. लव मोर इसके अतिरिक्त लव लुक्स फॉरवर्ड टू रेसिप्रोकेशन प्रेम समान भाव क्षमता मीन्स हर तरफ होना चाहिए दोनों तरफ होना चाहिए. अब देखते हैं क्या होगा कौन सा सबसे पहले लेना चाहेंगे आप. लव इज ऑल्सो वन ऑफ द स्वीटेस्ट या लव शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ वर्दी ऑब्जेक्ट या बट लाइक ऑल स्ट्रॉन्ग पैशंस इट मे इफ नॉट वेल रेगुलेटेड एंड कंट्रोल लीड अस इनटू मिजरी या आर इट विल प्रूव इन द एंड अ सोर्स ऑफ बिटरनेस. देखिए क्या सोच रहे हैं इस कभी आ सकता है क्या आर इट विल. हमने कहा कोई ऐसी बात की कि आर आ जाएगा इस कभी नहीं आएगा. बट लाइक ऑल स्ट्रॉन्ग पैशंस आ सकता है ह्यूमन पैशंस बट लाइक ऑल स्ट्रॉन्ग पैशंस आ सकता है. लव शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ वर्दी ऑब्जेक्ट. अभी कोई जिक्र नहीं किया गया ऐसा कि हम इसको तुरंत रख लें. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्वीटेस्ट. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्वीटेस्ट. लव इज वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ ह्यूमन पैशंस एंड इट इज ऑल्सो एक बार बताएगा कि जो हमारी ह्यूमन पैशंस की सबसे शुरुआती चीजों में से एक प्रेम है. इट इज ऑल्सो ये दिखा रहे हैं इसके बाद दूसरी बार हम क्या लेंगे उसी चीज के दोबारा बात करेंगे तो क्या लेंगे हम ऑल्सो. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्वीटेस्ट ये सबसे मीठी मधुर चीजों में से भी एक होती है. यानी क्लियर है कि पहले पी आएगा एस आर भी आ सकता था लेकिन उससे पहले पी आएगा क्योंकि अर्लीस्ट की बात कर रहे हैं तो पी आएगा. चार ऑप्शन हमारे पास एस नहीं होगा एस नहीं होगा ये है आपका पी और यहां पर आर है एक ही ऑप्शन है आपके पास बी ऑप्शन पी आर. अगर कंफ्यूजन है तो मिला लें. लव इज वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ ह्यूमन पैशंस सही है. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्वीटेस्ट सही बिल्कुल कंपैरिजन है आपका यानी ये पहले नंबर पे पी आ जाएगा. अब इसके बाद हमारे पास आर है बट लाइक ऑल स्ट्रॉन्ग पैशंस है सही है लेकिन अन्य पैशंस की तरफ यानी पी आर पी आर सही मिलाएंगे तो सही मिलेगा आपको यानी बी ऑप्शन हो जाए. ये तो आना चाहिए अगर आप अपने प्रैक्टिस सेट साल करते हैं तो आप निश्चित ही इस तरह क्वेश्चंस कर सकते हैं. कहानी की तरह है बिल्कुल. लिटरेचर पढ़ें एडिटोरियल पढ़ें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मैं आप बच्चों को बता दूं जो बच्चे लेट हमको ज्वाइन किए हैं मेरे 14 सेट्स तक के MB के जो एक्सप्लेनेशन है सोल्यूशन है वो मैंने डाला हुआ है. आप मेरे चैनल पे जाइए वहां प्लेलिस्ट मिलेगा उसमें अलग अलग सेगमेंट्स हैं तो उनमें MB सॉल्यूशन MB बुक सॉल्यूशन के नाम से एक मिलेगा आपको उसमें 14 सेट्स तक मैंने दिया हुआ है. जो बच्चे ग्रामर वगैरह टेंस वगैरह पढ़ना चाहते हैं वहां मैंने दिया अच्छे से वो टेंस पढ़ सकते हैं. वहां जो बच्चे कंडीशनल्स वगैरह पढ़ते हैं वो भी मिल जाएगा. जो बच्चे प्रीपोजिशन से संबंधित एरर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर
फिलर्स भरना चाहते हैं, प्रीपोजिशन संबंधित मिल जाएगा। जो बच्चे क्लोज टेस्ट से संबंधित करना चाहते हैं, क्लोज टेस्ट के सेगमेंट में मिल जाएगा। तो आप अगर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे मेरे चैनल पर, तो वहां अलग अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट एमबी बुक है जो बहुत सारे बच्चे सॉल्व करते हैं, तो आप ही उसका फायदा है। शुरू की जो एकाध दो सेट्स हैं वहां मैंने कम क्वेश्चंस कराए, फिर धीरे धीरे मैं उसे पूरा कराता गया हूं। 14 सेट्स तक मैंने कराए, आगे और भी मैं कराऊंगा। और ये भी प्रैक्टिस सेट्स ही हैं, एक्चुअली ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं अगर यूज करें आप रेगुलर, इन्हें ज्वाइन करें। तो चलिए देखें, द स्पाइडर फेल 7 टाइम्स टू रीच इट्स गोल। ने जो स्पाइडर था 7 बार गिर गया, स्पाइडर समझते हैं मकड़ी, तो द स्पाइडर फेल 7 टाइम्स टू रीच इट्स गोल। 7 बार वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल हो गए, बट लेकिन डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। ये लाइनें आपको बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ, विश्वास करें संतुष्ट वास्तव। बहुत बार हारते हारते संभले, बहुत बार टूटते टूटते खड़े हुए। तो अगर आप कभी बाबू अगर आप एग्जाम्स में असफल हो रहे हो, ईश्वर ना करे ऐसा, बट हो रहे हो, कभी निराश ना हो। ईश्वर शायद उससे बेहतर कुछ करने की कोशिश कर रहा हो, शायद और बेहतर करना चाहता हो आपके साथ, इसलिए शायद वो छोटी छोटी असफलताओं के द्वारा वो आपको बड़ी सफलता की तरफ लेकर के जाना चाह रहा। तो विश्वास करें ये कहानी आपको जरूर समझ में आएगी और हर हाल में आपको एक प्रेरणा देगी। कभी हारे ना, कभी भी ना हारे, हर हाल में अपने प्रयास को आप जारी रखें, बिकॉज गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर हो सकते लेकिन अंधेर नहीं हो सकते। तो विश्वास करें अपने पर, अपनी मेहनत पर और अपने माता पिता के आशीर्वाद पर। ओके, लेट्स ट्राई। द स्पाइडर फेल 7 टाइम्स टू रीच इट्स गोल बट डिडंट गिव अप होप। इन्हें उस मकड़ी ने 7 बार कोशिश की लक्ष्य तक पहुंचने के, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन उसने क्या नहीं किया, उसने अपनी आशा नहीं छोड़ी, वो पेसिमिस्टिक नहीं हुआ, वो ऑप्टिमिस्टिक रहा। द किंग लर्न्ड अ लेसन फ्रॉम द स्पाइडर। हो सकता है, लेकिन और देखिए, इट ट्राइड अगेन। क्लियर है ये इट किसके लिए है, राजा के लिए तो नहीं, ये किसके लिए है, द स्पाइडर के लिए है, जहां पे हम कीड़े मकोड़ों के लिए, पशु पक्षियों के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इट प्रयोग करते हैं सिंगुलर के लिए। तो इट ट्राइड अगेन, इसने पुनः कोशिश की, सही है ना, इसने 7 बार कोशिश की थी लेकिन इसने आशा नहीं छोड़ी। इट ट्राइड अगेन, इसने पुनः कोशिश की, एंड दिस टाइम इट सक्सीडेड इन रीचिंग द टॉप। और अगली बार ये टॉप पर पहुंचने में क्या हो गई, सफल। बाकी में देखिए, देन ही है, यानी मकड़ी के बारे में नहीं, ही है मकड़ी के बारे में नहीं, यानी क्लियर है आपका कि जब भी पहले आएगा ही आएगा। चार ऑप्शन आपके पास है, हो गया आंसर। देखे ये आंसर्स मैंने नहीं बनाए, आए हुए हैं, वही आंसर दिए गए, यानी बी ऑप्शन होगा, क्यू पे, बाकी देने जरूरत नहीं है। और एक कहानी है जो आराम से आप समझ करके बना सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको रेगुलरली आपको दिए जाते हैं। मैं फिर चाहूंगा इसे सीखिएगा, इसे पढ़िएगा और अच्छे सीखिएगा कि कभी भी निराश नहीं होइएगा। नेवर लूज योर हार्ट, मीन्स कभी भी आप साहस न खोए, जस्ट बट मेक परसेवरेंस, यानी सतत प्रयास करते रहे, कभी भी हारे ना। दिस इज फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड फॉर्म, बहुत इजी है और बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत इजी है। जिन बच्चों की स्पेलिंग याद हो, एम आई डबल एल ई डबल एन क्लो है, डबल एल और डबल एन क्लो है, देखो सिंगल एल है, सिंगल एल है, डबल एल है लेकिन सिंगल एन है, ये क्लो है आपका, डबल एल और डबल एन, यही क्लो है। बी ऑप्शन देगा, मिलेनियम समझते होंगे, सहस्त्राब्दी को कहते हैं। वॉइस है, कल एक बच्चे ने कहा था, जैक ने, कि सर वॉइस और नरेशन के क्वेश्चंस क्या होते हैं, नंबर्स दिए जाने के लिए दिए जाते हैं। सीरियसली बिल्कुल यही बात है, आप एक बार वॉइस और नरेशन के क्लू आपने समझ लिए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाए। देखिए कैसे, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप, विल यू कीप, यू सब्जेक्ट है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ड है। मैंने फिर मैं दोहरा रहा, इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस में चाहिए, कंटिन्यूअस है तो उसी में रहिए हेल्पिंग वर्ब में और बीइंग जोड़िए, परफेक्ट में है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चाहिए, और मॉडल है, मॉडल है तो मॉडल प्लस बी लीजिए, तो विल है ना, विल बी आएगा। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू फिनिश, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू फिनिश, फॉर हाउ लॉन्ग विल योर ड्यूटीज बी, है ना, विल योर ड्यूटीज बी। चौथा भी देखते हैं,
Neglecting of the duties by you have been, बिना किसी मेहनत के आपने इसको सॉल्व कर, बिना कुछ जाने, सिर्फ एक क्लू जान लिया आपने कि विल है तो विल बी आएगा, और वो क्लू कहां है, फॉर हाउ लॉन्ग विल योर ड्यूटीज बी में है आपका, यानी जब भी होगा आपका सी ऑप्शन होगा, बिल्कुल इजी है। और ये आराम से ऐसे क्वेश्चंस आप मिलेंगे, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योर सब्जेक्ट, योर ऑब्जेक्ट एंड वर्ब एंड एडवर्ब्स, यू विल सर्टेनली बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। मेरी लाइन याद रखिएगा, टेंस अगर इंडेफिनिट का है तो आप कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब खोजिए, अगर कंटिन्यूअस का है तो कंटिन्यूअस में रहिए बीइंग खोजिए, और अगर आप परफेक्ट में है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस खोजिए, यानी हैज हैव हैड के बाद बीन खोजिए, और अगर आप मॉडल में है, किसी भी मॉडल में कैन कुड मे माइट मस्ट जितने भी विल शैल इनके बाद किस में खोजिए, विल बी खोजिए। सर्टेनली वॉइस इज वेरी वन ऑफ द एजीएस्ट क्वेश्चंस। दिस इज नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू द डॉक्टर, जैसे आपने कहा सेट टू द, समझ आएगा यहां टेंस बदलेगा। हाउ सून विल आई बी, विल आई बी इन सर्टेनली विल क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, खोजते हैं। ही आस्क्ड सो, होगा ही नहीं। ही आस्क्ड द डॉक्टर हाउ सून ही वुड बी, वुड बी है ना। ही इज आस्किंग, होगा ही नहीं। ही आस्क्ड सो, होगा ही नहीं। इतने इजी क्वेश्चंस आपको दे जाते हैं, बस पहचानने की समझने की जरूरत है, यानी कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ही आस्क्ड द डॉक्टर हाउ सून ही वुड हो जाएगा। एंड दिस इज क्लोज टेस्ट, छोटे छोटे सेगमेंट्स में मैंने बांट दिया इसको, देखिए आसान हो जाएगा। नेवर राइट डाउन अ फोनेटिक विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग इन एवरीडे, कभी भी आप फोनेटिक डॉट न लिखें जब तक आप उसकी पूरी डिटेल को न समझ लें। क्या सही होगा, नेवर राइट डाउन अ फोनेटिक फ्रॉम विदाउट फुली, नेवर राइटिंग राइट डाउन अ फोनेटिक फार्म विदाउट फुली, नेवर राइट डाउन अ फोनेटिक फार विदाउट, नेवर राइट डाउन अ फोनेटिक ऑफ। फोनेटिक समझते हैं, जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होते हैं जिसमें आप, जिसे आप जानते हैं सी एच से च भी होता है, सी एस से क भी होता है, और सी एस से श भी होता है ना। सी एस से च यानी चेयर, सी एस से क यानी केमिस्ट्री, सी एस से श यानी सोफर, याद होगा आपको, या शैंपेन। तो ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताता है। तो फोनेटिक क्या है, नेवर राइट डाउन यानी कभी ना लिखे, और फोनेटिक क्या लिखना चाहिए, क्या A phonetic form, है ना होगा। Never write down a phonetic form without. अगर आप लेंगे never write down a phonetic from, फिर without होगा ही नहीं। Never write down a phonetic far without होगा ही नहीं। Never write down a phonetic of, कभी नहीं होगा। तो phonetic form best है आपका। A key to the various marks, marks निशान। A key to the various marks will be dash, will be found, will be find, will be finding या will be to find। अगर इसने will पे आपको समझने की आवश्यकता पड़ रही होगी तो आपको अपने आप से कहना होगा कि अभी आपको और अधिक समय देने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही आपने देखा will be और ये verbs हैं और आपने तय कर लिया तो समझिए आप बेहतर है, बिल्कुल इजी है ना। क्या चुना आपने, क्या चुना आपने, will be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हर हाल में। तो अ की टू द वेरियस मार्क्स विल बी, क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस में, यहां पे आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी नहीं। आप कह सकते हैं ही विल बी फाइंडिंग हिज पाथ, सही हो सकता है, लेकिन आप इसे पढ़ेंगे समझ जाएंगे। अ की टू द वेरियस मार्क्स, यहां कोई सब्जेक्ट नहीं है जो कार्य कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, यहां प्राप्त किए जाने की बात की जा रही, पैसिव वॉइस की बात की जा रही। तो a key to the various marks will be found, हो जाएगा a, will be found at the bottom of every page of the dictionary, dictionary के पेज जो होते हैं उनके बॉटम यानी कि सबसे नीचे जो है आपको various marks will be found पाए जा सकते हैं। एंड और the student should refer, और स्टूडेंट को रिफर करना चाहिए टू, देखिए रिफर टू है, ध्यान काम आएगा,
द स्टूडेंट शुड रिफर टू दिस, फ्रीक्वेंसी होगा या फ्रीक्वेंटली होगा या फ्रीक्वेंट होगा या फ्रीक्वेंटली होगा। जिन बच्चों को याद हो कि जो इस एमआर वास्वर्ड होते हैं वो नाउन यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, लेकिन जो वर्ब है आपकी शुड रिफर, ये एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब जो होती है वो हमेशा एडवर्ब चूज करती है, एडजेक्टिव नहीं चूज करती है, ना तो नाउन चूज करती है। तो एंड द स्टूडेंट शुड रिफर टू दिस, स्टूडेंट को उसे रिफर करना चाहिए कितनी बार, फ्रीक्वेंटली, कई बार। आप ऐसे नहीं लिख सकते ना, आई कॉल्ड हिम लाउड, गलत है, आई कॉल्ड हिम लाउडली। आप ऐसे नहीं लिख सकते ना, आई स्वेप्ट द रूम व्हाट क्लीन, गलत है, आई स्वेप्ट द रूम क्लीनली। आप ऐसे लिख सकते हैं ना, आई बिहेव्ड नाइस, गलत है ना, आई बिहेव्ड नाइसली। क्यों? क्योंकि जितने भी वर्ब्स मैंने ली सब एक्शन वर्ब ली, तो हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो आई स्टूडेंट शुड रिफर टू दिस फ्रीक्वेंटली, एडवर्ब चाहिए, न कि हमें फ्रीक्वेंसी नाउन चाहिए, न ही फ्रीक्वेंट एडजेक्टिव चाहिए और न ही फ्रीक्वेंटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए। हमें एडवर्ब चाहिए था, वो फ्रीक्वेंटली है। जब आप एक एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं तो वो आपका एडवर्ब होता है, और जब एक नाउन में एलवाई जोड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द डिक्शनरी, डिक्शनरी के फ्रंट पार्ट पर देयर विल आल्सो बी फाउंड, यहां पर देखे will also be found है, ये भी clue था, there will also be found an, पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, an explained of all possible sounds, an explained of, कभी हो सकता है an के बाद explained, कभी भी नहीं हो सकता है, an explaining of all possible sounds, हो सकता है क्या, an explanation of all possible sounds, यही होगा ना, an explanation, explanation noun है, एन ऑर्डिकल है, ऑर्डिकल बता रहा था कि हमको क्या लेना होगा नाउन, तो एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल साउंड्स हो जाए। और लास्ट, एंड एवरी साउंड, हर एक साउंड दैट एनी लेटर में है, जो भी एक लेटर में होता है में, वो हर एक साउंड जो है मे बी इंडिकेटेड, उसे इंडिकेट किया जा सकता है बाय अ पेक्यूलियर मार्क, एक विशेष चिन्ह के द्वारा। अब यहां क्या होगा, ऑफ सेवरल लेटर्स मे प्रेजेंट द सेम साउंड, देर आर अ वेराइटी ऑफ सिंबल्स फॉर द सेम साउंड, बहुत सारे जो लेटर्स होते हैं मे रिप्रेजेंट द सेम साउंड, वो एक ही प्रकार के साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा आप जानते हैं ए से अ भी होता है, ए से आ भी होता है, ए से ए भी होता है, ए से अ भी होता है, वही उसने कहा सेवरल लेटर्स मे रिप्रेजेंट द सेम साउंड, कई सारे लेटर्स एक ही प्रकार के साउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए देयर आर अ वैरायटी ऑफ सिंबल्स फॉर द सेम साउंड, इसलिए एक ही प्रकार के साउंड के लिए कई सारी सिंबल्स की वैरायटी है। तो क्या हुआ, ऑफ सेवरल लेटर्स मे रिप्रेजेंट, नहीं, फॉर्म सेवरल लेटर्स, नहीं, ऑफ सेवरल लेटर्स, बिल्कुल नहीं, क्या हो जाएगा, सेंस, चूंकि, यहां चूंकि वाला सेंस है, सेंस चूंकि सेवरल लेटर्स मे रिप्रेजेंट द सेम साउंड, चूंकि कई सारे लेटर्स मे रिप्रेजेंट द सेम साउंड, इसलिए देयर आर अ वैरायटी ऑफ सिंबल्स फॉर द सेम साउंड, यानी सेंस बेस्ट होगा। दिस इज एन एफर्ट, और इसके द्वारा बस मैं इतना चाहता हूं, ये मैंने ऐसे समय पर शुरू किया है जिस समय से आपके सीजल के एग्जाम्स हैं, अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें, उन्हें बताएं कि रेगुलर प्रैक्टिस सेट्स उनके पास 50 मिनट के आसपास हैं जिनका वो एडवांटेज ले सकते हैं, इस समय बहुत अधिक ले सकते हैं जिस समय उनके एग्जाम्स कंटिन्यू हैं, चल रहे हैं। जिन बच्चों के भी आगे एग्जाम्स होने वाले हैं अभी, वो इसे करते रहे, जो बच्चे आगे CHSL और MTS के पेपर्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी रेगुलर करते रहे, मैं इसे रेगुलर आपको देता रहूंगा, किसी दिन हो सकता है इधर उधर हो जाए वो अपनी जगह है, बट मैं रेगुलरली इसे साल कराता रहूंगा। उसकी एक वजह है, जो इलाहाबाद के बच्चे हैं उनसे मैंने कहा हुआ था कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स वगैरह रेगुलर कराता रहूंगा, इसके थ्रू मैं वो बैकअप उन्हें दे रहा हूं। तो आप जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये बच्चे और अधिक बच्चों को जोड़ते जाएं, और अपने टीचर, अपने फादर की हेल्प करना
हमेशा आपका फर्ज भी है, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ आप पढ़ी नहीं, अन्य बच्चों को भी बताएं, कोऑपरेट करें मेरे साथ, हेल्प करें, सपोर्ट करें मुझे, अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर करते जाएं, मैं बताते जाएं, इससे मेरा इंकरेजमेंट होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जहां टीचर को लगता है कि नहीं उसे सपोर्ट नहीं मिल, तो अगर वो सपोर्ट नहीं प्राप्त कर रहा होता है तो फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है, डिस्परेट होता है, फिर वो बैक कर लेता है अपने आप। बट अगर मुझे लगेगा कि नहीं बच्चे जो है मेरे से जुड़े हुए और बच्चे वो सपोर्ट कर रहे हैं, अधिक से अधिक बच्चों को इन कनेक्शन कर रहे हैं, मैं निश्चित ही और बेहतर करने की मैं कोशिश करूंगा। आप देख रहे होंगे मेरा प्रयास है, धीरे धीरे बेहतर ही हो रहा है, तो इससे हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप भी बेहतर करने की कोशिश करें, यहां भी यानी अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स में आए, सफल हो, और उन बच्चों तक जिन बच्चों को आप जानते हो उनके तक शेयर करते जाएं, बताते जाएं, और अधिक उन्हें इंस्पायर करते जाएं कि संतोष सर की क्लास रात 8 बजे शुरू हो जाती है, फिर वहां से वो ज्वाइन करते हैं। प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा, लाइक ये सोच करके कि हाँ ठीक है, आप अपने फादर को अपने टीचर को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक्स वेरी मच।